हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको आपकी प्यारी चुलबुली गर्ल अंकिता की तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और मैं स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ अपने घर से कर रही हूँ, ऑब्वियसली बात है। तो चलो सबसे पहले हम काम करते हैं कि जो घी है जो कि बहुत मेल्ट हो रहा है, गर्मी है तो ऑब्वियसली ना मेल्ट होगा। और ये घी लेके जाना है मेरी मम्मी को, जो कि आज आएंगी। मम्मी धो रही है बाहर गेहूँ, और अभी गेहूँ हमें टंकी से निकालना है। हम उसको मतलब धो देते हैं, तब हम उसको पीसने के लिए देते हैं, क्योंकि सही रहता है जो उसमें डस्ट वगैरह रहती है ना, वो सब हट जाती है। मैं बना रही हूँ रोटी, ये भी नाश्ता नहीं करा मैंने मम्मी ने, पर उससे पहले सो गाइज, मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी दाल जो कि मुझे मिल नहीं रही थी, मम्मी ने कहीं रख दी थी। और मुझे बनानी थी हाँ दाल की खिचड़ी, क्योंकि पापा जी की तबीयत ख़राब है, तो वो आजकल तबीयत ख़राब में मूंग मलका की दाल की खिचड़ी ही खाना पसंद करते हैं। और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने और मम्मी के लिए नाश्ते के लिए रोटी। तब तक वो गेहूँ साफ़ कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम रोटी डालो फिर हम साथ में खा लेंगे। साथ में तो नहीं खाया हमने, मैंने पहले खा लिया था क्योंकि उनको गेहूँ धोते धोते टाइम लग गया था। और सही में सुबह सुबह बहुत गर्मी लग रही थी, रोटी बनाते बहुत पसीना आ रहा था नहाने के गाइस। बाद। अभी अभी गेहूँ धो कर आई हूँ मैं मम्मी के साथ में, थोड़ा हेल्प कराई है मैंने उनकी। और गाइस सच में बहुत गर्मी हो रही है, मतलब इतनी सड़ी गर्मी हो रही है ना, आई कैन टेल यू। और सही में सर्दियाँ ना बेस्ट रहती है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सर्दी अच्छी लगती है या गर्मी अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी है। अकॉर्डिंग टू मी विंटर ही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो हम बीमार नहीं पड़ते, कवर रहते हैं। बस थोड़ा सा ये झंझट रहता है कि हमें कपड़े ज़्यादा पहनने पड़ते हैं, बट ठीक है यार। वो आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ मैं जा रही थी अपनी बहन के घर, उसका कुछ सामान मेरे घर में रखा हुआ है। घर में पहुँच चुकी हूँ अपनी बहन के घर, तो सामान पकड़ाना था तो मैं इधर ही आ गई। मेरे घर बन रहा है मेरी बहनों का, बाकी आपको अंदर से बाद में दिखाएंगे जब मेरे प्रॉपर रेडी हो जाए। ओके। और ना मेरे मुंह पे बहुत सारे पंछी टकरा रहे थे, तो मैंने ना ये बांध लिया मेरे मुंह पर। गाइस यहाँ पे देखो कितने सारे गेहूं हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस, घर में पहुंच चुका है शादी का कार्ड, जो कि है मेरे भाई की शादी। अजीब सा रहा है इसमें। और साथ में एक आया है मिठाई का डब्बा जो कि मेरे सामने रखा है, उसको मैं खाऊंगी बाद में और सबको दूंगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ करेले की तैयारी, करेले बनाने की, जो कि शाम को हम रात को मतलब खाने वाले हैं डिनर में, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और गाइस एक बार बताना चाहती हूँ, मुझे ये सब्ज़ी बनाना ना सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। एक तो उसमें टाइम बहुत लगता है, दूसरा जब तक सब्ज़ी बनती नहीं तो वहीं खड़े रहो। सो गाइस, मैं बना रही हूँ यहाँ पे करेले। ये देखो यहाँ बन रहा है करेले का मसाला, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। प्याज है इसमें, लाल मिर्च है, लहसुन है और सौंफ है, जिसको मैंने ग्राइंड कर दिया। उसके बाद मैं इसको पीस रही हूँ। मैं इसमें जो करेले के अंदर का होता है ना, वो मैं इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो कड़ू होता है तो उसे टेस्ट ख़राब होता है। कभी आप ट्राई करना से प्याज प्याज डालना, उसमें बहुत टेस्टी लगता है करेले। और बाकी आपको मेरी इसकी शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, मैं डालूँगी उसको, तो आप उसमें देखना। गाइस सच में गैस के पास खड़े होके इतना पसीना आ रहा है, मुझे देख सकते हो कितना स्वेट कर रही हो, बहुत अच्छा। गाइस मैं हूँ मंदिर में, और मैं हूँ अभी शनिदेव की मूर्ति के पास हूँ मैं यहाँ पे। और पता है मैं वहाँ पूजा कर रही थी, तो वहाँ मंकी आ गए, देखो दिख रहा होगा आपको, देखो। और मैं ना भागते हुए इधर आ गई, क्योंकि इधर क्या है कि मैं इधर सेफ हूँ। पर मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास कुछ खाने की चीज़ है, अब मुझे बाहर निकलते हुए सच में डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। और कोई भी नहीं है मंदिर में, देखो पूरा खाली, मेरे ससुर जी भी नहीं है अभी। मंकी चले जाए यहाँ से प्लीज, मंकी। हनुमान जी मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूँ। देखो मैं तो फंस गई हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या कर सकती हूँ यार। शनिदेव जी मेरी रक्षा करो, ये बंदर को प्लीज यहाँ से भेज दो, बहुत ऐसे इतना डरती हूँ। नहीं 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 मैं उसे ऐसे कर रहा और वो मुझे ऐसे देख रहा, गॉड प्लीज सेव मी। गाइज मैं मंदिर से घर आ गई थी, और मैं बंदे से बच के निकल गई थी, और अभी
देखो बाहर ना तूफान दिखेगा तो नहीं क्योंकि अंधेरा हो रहा है और तूफान चल रहा है बाहर। आई जस्ट होप बारिश भी आ जाए साथ साथ, तो थोड़ा गर्मी में राहत मिल जाएगी। और गाइज आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मतलब ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय।